भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि जो 11 फरवरी को समर्पण दिवस के नाते से मनाई जाती है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 11 फरवरी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के इस दिन समर्पण भाव से इस कार्यक्रम को मनाया। स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, जो कहते थे ये देश कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है और इस राष्ट्र के, इस मातृभूमि के पुत्र होने के नाते से, इनकी संतान होने के नाते से हर एक भारतवासी का ये दायित्व है कि अपने देश और अपने समाज के लिए निस्वार्थ भाव और समर्पण भाव से कार्य करना। आज पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़ी पैमाने पर समर्पण दिवस का ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया है और सबने ये संकल्प लिया है कि स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म के, एकात्म मानववाद के और अंत्योदय के जो विचार हैं वो जनमानस तक पहुँचें, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प मजबूत हो, एक राष्ट्र के रूप में सभी भारतवासी, चाहे वो किसी भी प्रांत के रहने वाले हैं, किसी भी धर्म और किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम सब भारतवासी हैं और एक देश के नागरिक होने के नाते से देश के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उन कर्तव्यों का हम संपूर्ण निष्ठा से पालन करें। इन्हीं विचारों को हर एक भारतवासी अपने जीवन में, अपने कार्य के माध्यम से आगे बढ़ाए और राष्ट्र की मजबूती, देश की मजबूती के लिए कार्य करे। ये संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने आज स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के इस समर्पण दिवस पर किया है। भारत मजबूत हो और भारत को हम पूरी दुनिया में कैसे दर्शाएं, उसके लिए हम सबको पंडित दीनदयाल जी की जिंदगी को, उन्होंने जो कार्य करे उनको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। और एक एक काम, हर दिन का अगर हम एक एक काम उनका, उन पे नजर डालेंगे तो हमारी जिंदगी में वो काम आ सकता है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।